नमस्कार दोस्तों, बी आर हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि विटामिन आखिर होते क्या हैं और इनकी पूर्ति हम किन किन चीजों से कर सकते हैं और किस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर किसी भी विटामिन की कमी हमारे शरीर में रह जाती है तो वह कौन कौन से रोगों को पैदा करता है और उसकी पूर्ति हम किस चीज के माध्यम से कर सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यदि हमारे भोजन में खाने पीने की पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, हम संतुलित भोजन नहीं लेते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव हमें हमारे शरीर पर पड़ता है। भोजन में विटामिन की कमी से हमारे शरीर के अंग कमजोर हो जाते हैं तथा शरीर पर उनका दुष्प्रभाव हमें भुगतना पड़ता है। विटामिन आखिर होते क्या हैं? विटामिन हमारे शरीर के लिए वो आवश्यक तत्व हैं जिनसे शरीर फिट रहता है, स्वस्थ बना रहता है। यदि यह हमारे शरीर को सही से ना मिले तो हमारा शरीर सही से कार्य नहीं कर पाता है और इन चीजों की प्राप्ति हम खाने पीने के माध्यम से करते हैं। तो चलिए बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B12। दोस्तों अब हम एक एक विटामिन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बात करते हैं विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1 पाचन तंत्र तथा हृदय के लिए बहुत ही जरूरी है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। इसकी पूर्ति हम किन किन चीजों के माध्यम से कर सकते हैं? विटामिन B1 को हम काजू, पिस्ता, चावल, मटर, सूरजमुखी के बीज, राई, ओट्स, इन सभी में विटामिन B1 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में। यह हमारी याददाश्त, आँखों के लिए, ताकत के लिए तथा रेड सेल्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। बात करते हैं विटामिन B3 के बारे में। शरीर में टॉक्सिन्स को ठीक करने के लिए, सिर दर्द को ठीक करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने के लिए तथा लीवर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। विटामिन B3 किस चीज के अंदर पाया जाता है? यह हमें मिलता है फलों से, मूंगफली, पत्ता गोभी, खजूर, मक्का, अजवाइन, इन सब में विटामिन B3 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में। यह नर्वस सिस्टम, दिमाग, हृदय, इम्यून सिस्टम, मांसपेशियां, पाचन तंत्र के विकास के लिए बेहद जरूरी है। विटामिन B6 किस चीज के अंदर पाया जाता है? यह हमें मिलता है साबुत अनाज से, आलू, केला, अंडा, बादाम, काजू, पिस्ता, मछली के अंदर विटामिन B6 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जानते हैं B12 के बारे में। B12 की कमी से हमारी याददाश्त, एकाग्रता, थकान, डिप्रेशन, हाथ पैरों का सुन्न हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, इन सभी की शिकायत हमें विटामिन B12 की कमी के कारण होती है। इसकी पूर्ति हम कर सकते हैं दूध, दही, छाछ, अंडा, मांस, बादाम, नारियल का दूध, इन सब से विटामिन बी की कमी को अपने शरीर में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों जाना आपने विटामिन बी से क्या क्या बीमारियां होती हैं और विटामिन बी की कमी को हम किन किन चीजों के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।